आज गांधी जयंती है, गांधी जी का जन्म दिवस है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। और इन दोनों महान हस्तियों ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। गांधी जी के ने पूरा जीवन देश के लिए एक तरह से समर्पित किया। लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, उनकी ईमानदारी बहुत चर्चित है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम उन दोनों महान लोगों के बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनके बताए हुए रास्ते पे हम आगे चलें। और स्पीकर साहब ने ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पे बनवाई है जलियांवाला बाग की, आज ही के दिन इसका अभी अनावरण किया। मैं स्पीकर साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जलियांवाला बाग हमें याद दिलाता रहता है कि किस तरह से हमने संघर्ष करके और अपनी जान की बाजी लगा के हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से हम लोगों को आज़ादी दिलाई थी। सर, किसान आंदोलन अभी लगातार जारी है, प्रधानमंत्री ने कहीं कहा है कि हम बातचीत करेंगे किसानों से। मैं तो बार बार यही कह चुका हूँ कि बातचीत तो बहुत हो चुकी है, अब समाधान चाहिए लोगों को। कितने महीने तक बातचीत चली थी, उनकी तो तीन डिमांड हैं, तीन लॉज वापस करो और MSP लागू करो, उसको कर देना चाहिए। उसके में क्या है, भाजपा कह रही है कि छठ पूजा की अनुमति ना देना कहीं केजरीवाल सरकार की जातिवाद को लेकर के राजनीति। इस पे मैं सभी दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ, छठ पूजा में हम लोग पानी में उतरना होता है, हमें अर्घ देने के लिए शाम को भी उतरते हैं फिर सुबह भी उतरते हैं। अगर पानी में जब उतरेंगे, एक भी आदमी को कोरोना हुआ तो वो सारा पानी जो है वो कोरोना से इन्फेक्ट हो जाएगा और जितने लोग वहाँ पे हैं उन सब लोगों को कोरोना आ जाएगा। मैं तो खुद चाहता हूँ कि ज़िंदगी सामान्य पटरी पे लौटे। मैं खुद चाहता हूँ कि लोग बड़ी धूमधाम के साथ छठ पूजा मनाएं, लेकिन अभी मजबूरी है। अभी इतनी बड़ी महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, सारा देश जूझ रहा है, हम सब लोग जूझ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग जो हैं वो किसी भी तरह से कोरोना से पीड़ित हों। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने चार वेव, दिल्ली ने तो चार वेव झेली हैं और कितने लोगों की मौत हो गई थी पिछले वाली वेव में, अप्रैल के महीने में। हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों को दोबारा कोरोना हो। मेरी हाथ जोड़ के दूसरे दलों के नेताओं से अपील है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना करें, इस मुद्दे पे राजनीति ना करें। वो भी सरकार का साथ दें और वो भी लोगों को समझाएं कि ये कंडीशंस लगाना हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। उनकी सेहत के लिए, उनकी जान के लिए, उनके परिवार के लिए ये कंडीशंस लगाना ज़रूरी है। तो मैं हाथ जोड़ के सभी नेताओं से अपील करता हूँ कि इस पर राजनीति ना करें।